हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस। मैं अजीत नामदेव आज सभी को आज क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नोविंग अवर नंबर्स, ठीक है, इसके बारे में कुछ आज आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है। उस इंट्रो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपके इस चैप्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन टॉपिक्स में। तो हमारा पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर। तो जैसे आपको पता होगा कि जो कंपेयरिंग नंबर, इस टॉपिक्स में जो कंपेयरिंग है नंबर का, उसमें हम आपको ये बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा, यानी कौन सा नंबर बिगेस्ट होता है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो कंपेयरिंग नंबर, तो जैसा आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, कि एक दो तरह से हम नंबर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं बिगेस्ट और एक क्या पढ़ते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट, यानी बिगेस्ट नंबर और क्या पढ़ते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट। तो जैसे इसमें आपसे क्या होता है कि आपके चैप्टर में, यानी जो आपका बुक है, बुक के एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वहाँ पे आपको ट्राई डीज करके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें आपको ये सब चीज़ों मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपसे पूछा गया कि लिखा है 346 और यहाँ पर एक बॉक्स बना और यहाँ पे लिख दिया 345, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये कहलाता है कंपेयरिंग नंबर कहलाता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा 346, यहाँ पर लिखा है 345, आप जानते हैं कि 46 बड़ा होता है और 45 क्या होता है, कम होता है, है ना। तो और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ज़्यादा है, यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, अभी तक ये दोनों क्या थे, इक्वल थे, बट यहाँ पर आपने देखा ये 6 क्या हो गया, बिगर हो गया, और ये क्या हो गया, स्मॉलर। मीन्स क्या कहेंगे, ये हमारा स्मॉलर है और ये हमारा कैसा है, बिगर है। कुछ और नंबर आपको जैसे मिलते हैं, ये जैसे 16 लिखा है या 160 मिला है, और आपको ये क्या मिला, 106। अब कहते हैं आप बताइए कौन बिगेस्ट है, कौन से स्मॉलेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या है, 0। तो 6 से बिगर होता है कि 0, 6 बिगर होता है, यानी ये आपका कैसा हो जाएगा, बिगेस्ट। बिगेस्ट के लिए आप साइन क्या देते हैं, जिधर बिगेस्ट नंबर होता है उसी की तरह हम इसका ये माउथ करके रखते हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी हम कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी नंबर मिलेंगे जो आपको इक्वल दिखेंगे, जैसे ये देखिए इधर भी आपका 344 और इधर भी 344, इसके लिए हम कौन सा साइन देते हैं, इनके लिए हम ये साइन देते हैं। तो ये था आपका कंपेयरिंग नंबर, यानी नंबर को कंपेयर करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक में चलते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, आप कितने नंबर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया आपके पास कुछ नंबर्स है, जैसे लिखा है 9 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपसे कहे कि इसमें से आपको एक 4 डिजिट का, कितने का, 4 डिजिट का एक आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है और 4 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, कैसे बनाएंगे आप। तो आप देख रहे हैं आपको 4 डिजिट का एक क्या बनाना है, 4 डिजिट का आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है। तो बिगेस्ट नंबर, अगर आपको कुछ नंबर दे दिए जाएं और उनसे बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट बनाते हैं, बनाने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करते हैं, बिगेस्ट बनाने के लिए हम इनको कैसे रखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे पहले आप बिगर नंबर कौन है, 9, पहले आप 9 को रखिए, फिर उससे छोटा कौन है, 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4। ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, ये 4 डिजिट का एक बिगेस्ट नंबर बनाया, ठीक है। अगर आपसे यही कहा जाएगा 4 डिजिट का एक आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो अब इसको आप क्या कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, यानी पहले आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अगर हमको नंबर्स दे दिए जाए, डिजिट दे दिए जाए और उन डिजिट से बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कहे, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड टॉपिक में। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, हमारा थर्ड टॉपिक है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। थर्ड टॉपिक है स्टैंड इन
प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो देखिए इसमें क्या, ये प्रॉपर ऑर्डर क्या है, प्रॉपर ऑर्डर में एक क्रम करना है आपको, एक क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 14 है ना, फिर 2 लिखा हुआ है और 28 है और लिख दिया 348। आपके आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है एक ऑर्डर में। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर दो तरह के, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मींस हो जाता है पहले आपको कम, यानी जो संख्या कम, जिसकी काउंटिंग कम होती है उसको लिखते हैं, फिर उससे ज़्यादा यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। जैसे छोटी संख्या क्या है, 02 है ना, यानी 2, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 348। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये कहलाया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम अगर सिंबल सिंबल के जैसे लिखें, यानी कोई संकेत दे के लिखें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 लिखा, फिर ऐसे हमने क्या कर दिया 14, फिर एक और ऐसे सिंबल किया 28, फिर एक सिंबल करके 348। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, असेंडिंग ऑर्डर, ये कहलाता है प्रॉपर ऑर्डर में करना। ठीक है, एक और होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम लोग घटते क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटते क्रम, है ना। तो घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या है ना, यानी सबसे बिगेस्ट, फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, है ना, ऐसे करते जाते हैं। यानी सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है हमारा, 348, फिर किसको लिखना है हमें, फिर लिखना है हमें 28 को, फिर किसको लिखना है 14 को, फिर किसको लिखना है 2 को। अब इसमें भी अगर हम सिंबल लगाए तो वो कैसा लगाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट, यानी ऐसे कर देना है। तो ये था हमारा स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। हमारा अगला टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट, शिफ्टिंग डिजिट। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ टॉपिक शिफ्टिंग डिजिट, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमको डिजिट को शिफ्ट करना पड़ता है। यानी जो डिजिट, जैसे हमारे पास नंबर है 4, 5, 6, 7 है ना, अब अगर हमें इसमें कहा जाए कि आपको इसमें 6 को, 6 का जो अभी प्लेस है वो टेंथ है, यानी 6 टेंथ प्लेस पर है, हमें इसके प्लेस को क्या करना है, चेंज करना है। यानी इसको हमें 1000 के प्लेस पे क्या करना है, पुट अप करना है। तो कैसे पुट अप करेंगे, तो हम क्या करें, इसका हमें डिजिट का क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6 को इसके स्थान पे लिख देंगे, 6 कर दिया, और 4 को इसके स्थान पे, बाकी ये 5 लिख दीजिए, ये 4 लिख दीजिए, और ये क्या लिख दीजिए, 7। ये कहलाता है शिफ्टिंग डिजिट। डिजिट को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, शिफ्टिंग डिजिट शिफ्टिंग डिजिट कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था, क्या बताया था फर्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग नंबर, तो ये दोनों सेम होते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अगला टॉपिक, ये फिफ्थ था आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, अब चलेंगे सिक्स। हमारा सिक्स टॉपिक क्या है, हमारा सिक्स टॉपिक है प्लेस वैल्यू। क्या है हमारा, प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, 4 है 1 है 2 है 4। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए ये जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, यानी 2 जहाँ पर है उस प्लेस की वैल्यू क्या है, इसको हिंदी में स्थानीय मान भी बोलते हैं, यानी इस प्लेस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप देखिए इसको हम पढ़ते क्या हैं, इसको रीड क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000। ठीक है, यानी इसकी प्लेस की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 tens, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। इसी तरह अगर आपसे 4 का पूछे, इस 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 कहाँ पर है, 4000 के प्लेस, यानी 4000s। इस 4 की पूछे बताओ वैल्यू क्या है, तो 4 ones। ठीक है, तो ये कहलाती है प्लेस वैल्यू। किसी भी डिजिट या जो डिजिट जिस स्थान पर मौजूद है, जिस प्लेस पर है, वहाँ की वैल्यू ही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है नंबर नेम्स। ओके, नंबर्स नेम। ओके,
देखिए नंबर्स नेम्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर का नाम, यानी कोई भी आपको नंबर दे दिए जाए, एग्जांपल के तौर पे मैंने रख दिया 14, ओके। अगर आपसे कहा जाए कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो वैसे तो हम लोग बोल देते 14, है ना, तो क्या और कोई पढ़ने का तरीका है? तो देखिए हम लोग दो तरह के सिस्टम यूज़ करते हैं किन्हीं भी नंबर को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, उनको रीड करने के। एक कहलाता है आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है, एक आपका इंडियन होता है और एक आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एक इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल क्या है? तो इंडियन सिस्टम में हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे लिखा है 1 4 5 6 7 8, जैसे मैंने ये नंबर्स लिए। अब मैं आपको एक बार इसे इंडियन सिस्टम में बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, और एक बार आपको किस में बताऊंगा, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं तो इंडियन सिस्टम में पहले के 3 डिजिट तक एक कॉमा लगता है, फिर उसके बाद 2 2 डिजिट में कॉमा लगते हैं। जैसे अब अगला कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ऐसे 2 2 डिजिट बाद फिर एक कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद एक और कॉमा, ऐसे कॉमा क्या होते हैं 2 2 डिजिट में लगते जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में यही जैसे 1 5 4 5 6 7 8 लिखा है, तो इसमें पहले भी 3 डिजिट में, बाद में भी 3 डिजिट में, और ऐसे ही 3 डिजिट क्या होते जाते हैं आपके, इंक्रीज होते जाते हैं, और हर 3 डिजिट बाद एक कॉमा लगता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो इसकी स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वंस, फिर वंस के बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर वंस टेंस 100 1000 10,000, फिर आता है आपका लैक, फिर क्या आता है आपका 10 लैक, फिर ऐसे करोड़, फिर 10 करोड़, ये इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में, सबसे पहले हम बोलते हैं वंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद हंड्रेड्स, फिर उसमें 1000, फिर 10,000। अब यहाँ से इसमें क्या हो जाता है डिस्टर्बिंग, क्या 10,000 के बाद इसमें आता है 100,000, फिर ये कॉमा, फिर इसके बाद आपका आता है मिलियन, फिर क्या आता है 10 मिलियन, फिर क्या आ जाता है 100 मिलियन, और ऐसे ही क्या होता है आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास था ये, हम इसे क्या पढ़ेंगे और इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में, तो देखिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, तो जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, यानी क्या पढ़ेंगे हम इसे, 1 लैक, 1 लैक, ठीक है। अब ये 1000 में दो चीज़ें हैं, 45 क्या है यहाँ पे 45, तो इन दोनों को एक साथ ये आप नहीं पढ़ सकते कि 4 4 10,000 5,000, ऐसा नहीं पढ़ते, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 05 होता तो हम इसे 5 पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 45 है, तो यानी दोनों को एक साथ बोलना है, तो क्या हो जाएगा 1,45,000, 1,45,000, ठीक। फिर उसके बाद अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना है 678, तो आप क्या बोलेंगे 678। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम। इसी तरह अगर और भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 21 फिर कॉमा फिर 11, तो यहाँ पे 21 लैक्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं 11 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यानी पहले तीन डिजिट तक आपको लेना है, फिर उसके बाद दो दो डिजिट को लेकर के उसको रीड करना है, ठीक है। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें क्या करना है, पहले आप इन तीनों को, यानी वंस टेंस हंड्रेड हो गया, अब आप इसे बोलते हैं 1000 10,000, और इसे क्या बोलेंगे 100,000। तो जैसे आपने यहाँ पे इन दोनों को एक साथ पढ़ा था, वैसे हम इन तीनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसे, इसे बोलेंगे 1,45,000, 1,45,000, 678, 600, 678। ये था
इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे इसको और आगे इंक्रीज करूँ, है ना, तो उसको भी क्या पढ़ेंगे, इसको हम बिलियन पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये क्या होता है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे हम उसको रीड करते जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक है रोमन नंबर्स। हमारे अगले टॉपिक में हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स, क्या होते हैं रोमन नंबर्स? तो रोमन नंबर्स क्या होते हैं कि ये रोमन में है, और इनमें कुछ जो नंबर्स हम लोग 1, 2, 3 जिनको सिंबल देते हैं, इनका कुछ अलग टाइप्स के सिंबल देते हैं। मैं पहले आपको सिंबल बताऊंगा कौन कौन से रोमन नंबर्स हैं, जैसे हम क्या पढ़ते हैं और रोमन में क्या उसे बोला जाता है। जैसे हम लोग 1 बोलते हैं ना, तो 1 को ना इस हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन रोमन्स में ऐसे लिखा, उसे आई लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपका 2 है, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें डबल आई बोला जाता है, ठीक है। ऐसे 3 को, 3 को क्या बोल देते हैं, इसमें ट्रिपल आई बोल देते हैं। ऐसे 4 को क्या बोलते हैं, 4 को आई और वी बोलते हैं, ठीक है। 5 को क्या बोलते थे, 5 को वी बोलते हैं। इसी तरह 6 को क्या बोलते हैं, वी आई बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं, वी और डबल आई। ऐसे 8 को क्या बोलते हैं, अब देखिए आपने क्रम क्या देखा, 1 था तो आई लिखा, 2 था डबल आई कर दिया, 3 था ट्रिपल आई, और 4 था तो आई में, यानी 5 के पहले हमने क्या लगा दिया, एक आई लगा दी। इसका मीन्स क्या होता है, 5 में एक को हमने क्या कर दिया, 5 में एक कम कर दिया, ठीक है। अब यहीं पर 6 किया तो 5 में प्लस एक कर दिया, यानी 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ पे 5 में हमने एक प्लस किया। ऐसे 5 में 2 प्लस किया, तो अब आप बता सकते हैं क्या 8 का क्या होगा, 8 का होगा 5 और 3, ये देखिए। इसी तरह आपको 9 जब आएगा, तो 9 के लिए क्या होता है, तो अब 9 के लिए 5, 4 नहीं करते हैं। जैसे हमने 4 के लिए क्या किया, एक दूसरा सिंबल यूज किया और उसके पहले एक लगा दिया, वैसे ही 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, आई और एक्स। तो अब आपसे समझ, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि 10 का क्या होगा, 10 का एक्स होता है, क्यों, एक्स में एक कम कर दिया तो क्या हो गया, 9। तो अब आप बता सकते हैं 11 का, तो देखिए 11 का एक्स हो जाएगा और एक प्लस कर दीजिए। फिर 12 का क्या हो जाएगा, एक्स में 2 प्लस कर दीजिए। मतलब आपको चाहे तो ये पूरा जितना भी आपने पूरा लिखा हुआ है, आप एक्स लिख करके पूरा उसी को कॉपी कर सकते हैं, जैसे ये, और 14 है तो एक्स आई और वी, ऐसे 15 है तो एक्स वी, 16 है तो एक्स वी आई, 17 है तो एक्स वी डबल आई, और 18 है तो एक्स भी ट्रिपल आई, ठीक है। और 19 है तो क्या लिखेंगे, एक्स आई एक्स, और 20 है तो क्या लिख देंगे, डबल एक्स। तो इस तरह मैंने आपको 20 तक बताया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 100 तक या उससे और ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक कुछ और ऐसे नंबर्स बताए दे रहा हूँ जो डायरेक्टली हम ज़्यादा नंबर, जैसे एल को, एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं हम लोग, 100 बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, डी को हम लोग 500 बोलते हैं, और एम को क्या बोल देते हैं, 1000 बोल देते हैं। तो ये कुछ ऐसे मतलब बिगेस्ट हैं जिनका वैल्यू दिया गया है, दे रहे हैं, है ना। तो ये बन जाएंगे आप सभी से रोमन नंबर्स, तो बन ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट का यूज करना। अब उसके बाद दूसरा इसी में टॉपिक ऐड है एक्सपेंड ब्रैकेट, यानी यूजिंग ब्रैकेट। पहले मैं आपको यूजिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज करना, कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 3 × 4 + 4 × 5 + 6 × 4, ऐसे नंबर दिया गया। अब कहता है इसमें आप ब्रैकेट का यूज करिए, कैसे आप यूज करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 4 आपको दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, आप तीनों में 4 आपको मिल रहा है, मिल रहा है ना। हम एक काम करते हैं, 4 को हम तीनों से बाहर कर देते हैं, यानी यहाँ से भी हमने ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ तीनों से ले लिया, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, आप देखिए यहाँ पर फर्स्टली आपको मिला 3 लिख दीजिए, फिर आप 4 को तो आपने बाहर कर लिया ना,
अब ये चीज़ आपका यहाँ से गायब हो गया। अब बचा ये प्लस साइन किया, फोर को आपने यहाँ फिर से क्या कर लिया था, गायब कर लिया। अब क्या बचता है, फाइव, फिर यहाँ पे प्लस साइन, अब फोर को यहाँ से भी गायब हो गया था, तो बचा क्या आपके पास, सिक्स। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये कहलाता है यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज करो और दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। फोर हो गया, आप इन सभी को प्लस करें, सिक्स फाइव इलेवन थ्री फोर्टीन, तो अब फोर्टीन आए, फोर्टीन का फोर से इंटू यानी 56, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक इसी में है, एक्सपेंड ब्रैकेट। एक्सपेंड ब्रैकेट यानी ब्रैकेट को क्या करना है आपको, एक्सपेंड करना, फैलाना है। यानी छोटा सा है कोई सवाल तो उसको बड़ा सा करना है और सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टू लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्री प्लस फोर प्लस या फोर माइनस टू लिखा हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट को हमें एक्सपेंड कर फैलाना है। कैसे करेंगे, तो इसका मींस होता है कि एक बार टू का इंटू थ्री से, फिर एक बार टू का इंटू फोर से, एक बार टू का इंटू टू से। जब आपने टू का इंटू थ्री से किया तो टू इंटू थ्री, फिर टू का इंटू फोर से टू इंटू फोर, फिर टू का इंटू किससे करना है, टू से, तो माइनस टू इंटू टू। टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, सिक्स प्लस एट फोर्टीन, माइनस फोर यानी कितना आ जाएगा, टेन। तो ये था एक्सपेंड ब्रैकेट, ब्रैकेट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। अगर आपसे ये टॉपिक्स बनेंगे तो आपसे ये चैप्टर भी क्या हो जाएंगे, बनेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।